सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना करें। जीवन है तो संभावनाएं हैं, इंसान के इंसान के प्रति कुछ भावनाएं हैं, हर व्यक्ति की खुद के प्रति कुछ विचारधाराएं हैं। क्यों गला घोटते हो उन विचारों का? पृथ्वी पे जीवन संदर्भ है खुदा के इशारों का। कोई मकसद नहीं खुशी से मनाए जाते उन त्योहारों का। चूहे बिल्ली के इस खेल में मारे जाते बेकसूर, क्या कसूर इन बेचारों का? जो अपनी जिंदगी कुर्बान करते देश के लिए, क्या किसी ने सोचा उन पहरेदारों का? नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर यहाँ कोई किसी का होता तो क्या धोखा होता? अगर यहाँ कोई किसी का होता तो क्या गरीब ऐसे रोता? अगर यहाँ कोई किसी का होता तो क्या भूखा खाली पेट सोता, प्यासा नाली के पानी को सोखता? अगर यहाँ कोई किसी का होता तो क्या किसान अपने खून से खेत को जोतता? अगर यहाँ कोई किसी का होता तो क्या जिस्म का धंधा होता? अगर यहाँ कोई किसी का होता तो क्या अच्छा इंसान तंग होता, बेसुबह के लिए इतना दर्द होता? अगर यहाँ कोई किसी का होता तो क्या प्यार में समझौता होता, आत्मा की जगह सिर्फ शरीर से प्यार होता? अगर यहाँ कोई किसी का होता तो लोभ लालच पे एतबार होता, सच पे इल्जाम होता, झूठ पे लगाम होता, आंसुओं से गम बयां होता, इंसानियत का ऐसे देहांत होता, गलत के खिलाफ इंसान शांत होता, रोटी के लिए कोई अपने प्राण खोता? यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर यहाँ कोई किसी का होता तो क्या नफरत का बागीचा होता, जो नफरत की आंख से सींचा होता, हर तरफ बुराई का ऐसे पीछा होता? अगर यहाँ कोई किसी का होता तो क्या अच्छे के साथ बुरा होता, सच्चे का सपना अधूरा होता? यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब ये जिंदगी भी मौत के नाम होकर मिली है तो यहाँ कौन किसका है? यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये सांसें भी तेरी नहीं है, ये धड़कन भी तेरी नहीं है। जो यहाँ तेरा है वो है तेरा कर्म, जो हमेशा तेरा है और तेरा रहेगा, तेरे मरने के बाद भी तेरे कर्मों से तेरी आत्मा में सवेरा रहेगा। हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, मगर हम चाहे तो आंसू पोंछ कर मुस्कान दे सकते हैं, जीवन जीने की नई उड़ान दे सकते हैं। हम किसी को प्राण नहीं दे सकते, मगर हम ज्ञान दे सकते हैं। हम ध्यान दे सकते हैं उनपे जो वर्षों से हंसना भूल चुके हैं। हम ध्यान दे सकते हैं उनपे जो वर्षों से मरमर के जी रहे हैं। हम ध्यान दे सकते हैं उनपे जो वर्षों से अपने अतीत में हैं। हम ध्यान दे सकते हैं उनपे जो वर्षों से सड़क को अपना घर बनाए हैं, जो वर्षों से एक उम्मीद लगाए हैं, और वो उम्मीद कोई नहीं, वो उम्मीद हम हैं। हमें आगे आना होगा, हमें जागना होगा, हमें इन सबकी जिंदगी को सजाना होगा, हमें इन सबको अपना बनाना होगा, हमें इन सबको अपने गले लगाना होगा। वक्त आ चुका है हमें इंसानियत को अपनाना होगा, हैवानियत को दफनाना होगा, मोहब्बत को बढ़ाना होगा, नफरत को मिटाना होगा, इस कलयुग में भगवान कृष्ण के चक्र को उठाना होगा, जीवन को नई दिशा में ले जाना होगा, प्रेम की बूंदों को बरसाना होगा, इन पहेलियों को सुलझाना होगा। वक्त आ चुका है, अब हमें इंसानियत को बचाना होगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है मेरे भाई, अगर तू दिल से चाहेगा ना तो ये दुनिया भी तेरी हो जाएगी।